प्रदेश के अमरोहा के तिगरी गंगा धाम में गंगा यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्य मंत्री वीके सिंह ने शिरकत की। इस मौके पर राज्य मंत्री वीके सिंह ने तिगरी गंगा धाम के विकास की घोषणा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री से इस बारे में बात हुई है और तिगरी गंगा धाम का अब जल्द ही विकास होगा। बता दें कि केंद्रीय मंत्री वीके सिंह तिगरी गंगा धाम पर गंगा यात्रा कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने मंच को संबोधित करते हुए ऐलान कर दिया कि मुख्यमंत्री ने तिगरी गंगा धाम के विकास की बात कही है और यहां पर बहुत जल्द पक्के घाट बनवाए जाएंगे। इस बारे में विचार चल रहा है। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने इस बारे में पुष्टि की और कहा कि मुख्यमंत्री ने इसकी पुष्टि की है और यह अपने आप में एक बड़ा महत्व रखता है, इसलिए मुख्यमंत्री और हम चाहते हैं कि यहाँ पर विकास हो और यहाँ पर पक्के घाट बनवाए जाएं। बता दें कि तिगरी गंगा धाम पर महाभारत काल में योद्धाओं की आत्मा की शांति के लिए दीप दान किया गया था। इसके अलावा मान्यता है कि यहाँ पर खुद हरे विष्णु ने स्नान किया था, इसलिए भी यहाँ की एक बड़ी मान्यता मानी जाती है। आदिकाल से निकली गंगा धाम पर लोग गंगा स्नान करने के लिए आते हैं और कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ विशाल और बड़ा मेला भी लगाया जाता है। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। देखिए गंगा निर्मल साफ तभी होगी जब सबके सब इसके अंदर जुड़ेंगे। अगर हम सब यही सोचते रहे कि सरकारें काम करती रहेंगी तो ये काम होने वाला नहीं है, जैसा कि हम पिछले 70 साल में देख चुके। आप नमामि गंगे के नीचे सरकार के साथ हम सब मिलकर जब काम करेंगे तब ये धारा अविरल रहेगी, निर्मल रहेगी और ये पानी जो है गंगा का जिससे हम सब लोग आराधना करते हैं, जिसको मान्य मानते हैं, वो अच्छा सबको नजर आएगा। इस साल जो जिस तरीके से काम शुरू हुए हैं गंगा को साफ करने के लिए और ये यात्रा उसका एक उदाहरण है। ये काम ऐसे हैं जो अगले 1.5-2 साल के अंदर दिखाएंगे कि यहां से लेकर गंगा सागर तक गंगा कितनी साफ होती है। आप इसके अंदर सहयोग देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कुछ लोगों के सहयोग में? अरे भाई इसके अंदर मदद करोगे कि नहीं? पक्का पक्का। जो आपको काम बताया जाएगा करोगे? तो पहला काम है गंगा को साफ करने के लिए इसके अंदर गंदगी ना जाए। अगर गंगा हमारी माँ है, गंगा की हम पूजा करते हैं, तो गंदगी बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। अपने अपने गांव में अगर आप देखते हो कहीं से गंदगी जा रही है उसको रोको। रोकोगे? रोकोगे? थोड़ा आवाज से तो आवाज क्या दिली आवाज आ रही है। रोकोगे? बहुत बढ़िया। और सरकार की तरफ से इतने स्टॉल लगे हैं यहाँ पर जिनमें बताया गया है कि सरकार क्या काम करेगी। सरकार आपके लिए गंगा के किनारे कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर जैविक खेती करेगी, साफ करने के लिए प्रबंध करेगी, आपको मदद करेगी कि आप इसको और साफ कर सको। अब हम सबका काम है, नागरिकों का, कि हम कैसे गंगा को साफ रखते हैं, कैसे गंगा को अच्छा रखते हैं। और एक चीज को याद रखिएगा, अगर गंगा साफ होगी तो उसका पूरा पुण्य आपको मिलेगा, पूरा का पूरा पुण्य मिलेगा। 1857 के बाद अंग्रेज गंगा को मैला करने के लिए जितने गटर थे, जितने सीवर थे, गंगा की तरफ कर गए। और इसीलिए कानपुर जैसी जगह के अंदर गंगा गंदा नाला बन गई। अब 128 साल के बाद कानपुर के अंदर गंदे नाले का काम खत्म, अब वहां पर गंगा साफ होनी शुरू हुई है। तो आप भी चाहते हैं कि गंगा साफ हो तो हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, चाहे किसान हो, चाहे और कोई आदमी हो जो गंगा के किनारे रहता है। हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम इसको साफ रखें। गंगा का महत्व पूरे दुनिया के अंदर है। हमारे जो लोग मॉरिशस में गए वहां पर उन्होंने गंगा तालाब बनाया जिसके अंदर लोग पूजा करते हैं। मैं गया हूं वहां पर और आपको विश्वास नहीं होगा, उसके अंदर नीचे पत्थर दिखाई देता है, इतना उन्होंने साफ रखा हुआ। हमारी भी गंगा साफ हो सकती है
अगर हम इसके अंदर मेहनत करें। और मुझे पूरी आशा है बेहतर आइए कि आप इसके अंदर जरूर सहयोग देंगे और गंगा को निर्मल बनाने में पूरा काम करेंगे। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, विजय कश्यप जी ने और राजू किरारा जी ने और चेतन चौहान जी ने सबने कल मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि यहाँ पर एक घाट बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तो पूरा सोच विचार करके घाट बनवाने की प्रक्रिया शुरू करें। अच्छी बात है, तो अब ताली को ऐसे बजाने लगे कुछ गड़बड़ हो गई है। बोलो गंगा मैया की। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।